गाइज अब आप अपने व्हाट्सएप पे मैथ के क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक है, जाइए उससे जुड़ जाइए। और अगर आपका कोई भी मैथ का क्वेश्चन है तो उसका फोटो ले लीजिए और जो क्वेश्चन नंबर है उसको भी क्रॉप कर दीजिए, एकदम अच्छे से क्रॉप करके उस पर सेंड कर दीजिएगा, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन तुरंत, जी हाँ गाइज, 10 सेकेंड के अंदर मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ वालों के लिए साइंस यानी अभिज्ञान का मार्किंग स्कीम। जी हाँ गाइज, आप लोग का इस वीडियो में हम देखेंगे मार्किंग सिस्टम कि आप लोग का पेपर कैसे आता है, कितने बहुविकल्पीय प्रश्न, कितने अति लघु उत्तरी प्रश्न, कितने लघु उत्तरी प्रश्न और कितने विस्तृत उत्तरी प्रश्न, और उनके कितने कितने मार्क आप लोग को मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले गाइज कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोग देख सकते हो बहुविकल्पीय प्रश्न या प्रश्नों का प्रकार है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, देखिए प्रत्येक बहुविकल्पीय जो प्रश्न होगा वो एक मार्क होगा, यानी एक प्रश्न का एक मार्क। ओके गाइस, और आप लोग देख सकते हो ये भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स 1x4 लिखा है, यानी एक एक मार्क का रहेगा चार प्रश्न, यानी यहाँ से आप लोग को चार मार्क मिल जाएगा। उसी प्रकार आप लोग देख सकते हो रसायन विज्ञान में तीन प्रश्न रहेगा बहुविकल्पीय और प्रत्येक का एक एक मार्क, यानी 1x3 यानी तीन मार्क आप लोग का रसायन विज्ञान का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, ठीक है। और यहाँ 1x4 यानी चार्ट क्वेश्चन रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न का आप लोग के जीव विज्ञान से यानी बायोलॉजी से, और यहां से आप लोग को चार मार्क क्लियर हो जाएगा, यानी 4, 3, 7, 4 11 मार्क आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों से मिलाकर 11 नंबर का आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। तो आप बहुविकल्पीय प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं कि आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद आप लोग देख दीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, देखिए प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क का होगा। ओके गाइज, यानी एक प्रश्न का 2 मार्क अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो भौतिक विज्ञान में 2x3 लिखा है, यानी 3 क्वेश्चन रहेंगे आप लोग के भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके गाइज, 3 रहेंगे और प्रत्येक का 2-2 मार्क, यानी 3 प्रश्न है और प्रत्येक का 2-2 मार्क, तो 6 मार्क यहां से आपको। उसी प्रकार रसायन विज्ञान में भी सेम उसी तरह 3 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक का 2-2 मार्क मिलेगा, यानी 6 मार्क यहां, और सेम उसी तरह बायो में भी 3 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक का 2-2 मार्क यानी 6 मार्क, यानी आप लोग के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आप लोग देख सकते हो 6, 6, 6 यानी 18, 6, 6, 6, 12, 36, 18 यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों से मिलाकर आप लोग का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 18 मार्क का पूछेगा। और आई होप आप लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न आसानी से कर लोगे, क्योंकि इसका आंसर मिनिमम मतलब 30 से 40 शब्दों के बीच ही मतलब इसका आंसर लिखा जाता है, इतने से अधिक नहीं लिखा जाता है, काफी छोटा होता है, तो आप लोग आसानी से लिख लोगे। ओके चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला है तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न वो होगा 4 मार्क का, ठीक है गाइज, यानी एक लघु उत्तरीय प्रश्न का आप लोग को 4 मार्क मिलेगा। और यहाँ आप लोग देख सकते हो यहाँ लिखा है 2 और इधर 4, यानी 4x2 लिखा है, यानी 2 आप लोग का क्या होगा प्रश्न होगा कौन सा लघु उत्तरीय प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 4 मार्क का होगा, यानी 2 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क का, यानी आप लोग का यहाँ से 8 नंबर क्लियर हो जाएगा, यानी भौतिक विज्ञान से यहाँ आप लोग का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 8 मार्क का पूछेगा। और यहां देख सकते हो रसायन विज्ञान से 1x4 लिखा है, यानी एक प्रश्न रहेगा कितने मार्क का 4 मार्क का, यानी यहां से आप लोगों को 4 मार्क मिलेगा रसायन विज्ञान से किसका लघु उत्तरीय प्रश्न का। और उसी सेम यहां बायो में देख सकते हो 4x2 यानी 2 प्रश्न रहेगा 4-4 मार्क का, यानी 4x2 8 मार्क यहां से, यानी 8, 8, 16 और 4, 20 यानी 20 मार्क का आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ओके गाइज, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसी तरह आप लोग देख सकते हो चौथा आप लोग का टॉपिक है क्या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 7 मार्क का, यानी एक प्रश्न जो रहेगा 7 मार्क का रहेगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। यहाँ आप लोग देख सकते हो भौतिक विज्ञान से 7x1 लिखा है, यानी एक प्रश्न रहेगा कितने मार्क का 7 मार्क का, तो यहाँ से आप लोग को 7 नंबर क्लियर हो जाएगा, यानी भौतिक विज्ञान से 7 मार्क का एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। सेम देखिए तीनों में वही है, यानी भौतिक विज्ञान से 1 7 मार्क का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, रसायन विज्ञान से 1 7 मार्क का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, और सेम उसी प्रकार 7 मार्क का एक बहुविकल्पीय प्रश्न आप सॉरी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपका जीव विज्ञान यानी बायो से रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो जो पूरा होगा आप लोग का भौतिक विज्ञान से 25 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, रसायन विज्ञान से 20 मार्क का, और जीव विज्ञान से
कितना 25 मार्क का, यानी 25 25 50 और 20 70, यानी 70 मार्क का आप लोगों का जो थ्योरी एग्जामिनेशन होगा थ्योरी का वो होगा, और 30 मार्क आप लोगों को मतलब 30 मार्क का प्रैक्टिकल आप सब लोग जानते हो कि स्कूल आप लोग के स्कूल लेवल पे होता है, आप लोग के स्कूल से मिलता है। तो ये रहा आप लोग का पूरा मार्किंग स्कैम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और गाइज अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो बस, और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक है, जाइए उस व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, और अगर आपका कोई भी मैथ का क्वेश्चन है तो उस पर सेंड कर दीजिएगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो बस, थैंक यू।